हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सीएस ऋतु। आज का वीडियो है पेनी स्टॉक जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पे। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से रिलेटेड 3 लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला अपडेट ये है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेट आ गई है। कब कंपनी अपने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाली है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सेकेंड अपडेट ये है, हमने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी का स्टॉक सर्वेलेंस पे रखा गया है एनएससी और बीएससी के थ्रू। एनएससी और बीएससी ने अब इस स्टॉक को सर्वेलेंस से रिमूव कर दिया है। इस अपडेट के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड थर्डली हम इस वीडियो में जानेंगे कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अब ये स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है, क्या करेंटली ये स्टॉक बुलिश लग रहा है या बियरिश लग रहा है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे, ये कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिए। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए ताकि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए और लाते रहें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर में तेजी आई है। स्टॉक ने 5% का अपर सर्किट लगाया है आज के सेशन में और क्लोजिंग दी है 1 रूपीज के लेवल पे। आज ट्रेडेड वॉल्यूम रहा है एनएससी के डेटा के हिसाब से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर में 2.37 करोड़ शेयर्स का। कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें तो सबसे पहला अपडेट है कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स से रिलेटेड। कंपनी ने फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेट अनाउंस कर दी है। एक्सचेंज डेटा के हिसाब से कंपनी के सितंबर क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे थर्सडे 9 नवंबर 2023 को। सो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसी परफॉर्मेंस ये कंपनी सितंबर क्वार्टर में रिपोर्ट कर सकती है। लास्ट क्वार्टर की कंपनी की परफॉर्मेंस अगर हम देखें, रेवेन्यू वाइज कंपनी की परफॉर्मेंस फ्लैट आई है। जून क्वार्टर में कंपनी ने 353 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 378 करोड़ का। कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो आई है, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट वाइज कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं कर रही है। कंपनी 2020 से लॉस में है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का लॉस हालांकि कम हुआ है। जून क्वार्टर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है 102 करोड़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था 756 करोड़ का। सो लॉस में रिडक्शन हुआ है। सो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या कंपनी इस बार प्रॉफिट में आती है या कंपनी इस बार भी लॉस ही रिपोर्ट करेगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट अपडेट जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के स्टॉक से रिलेटेड ये है कि स्टॉक को सर्वेलेंस इंडिकेटर से रिमूव कर दिया है बीएससी और एनएससी ने। बीएससी और एनएससी ने इसको शॉर्ट टर्म सर्वेलेंस पे रखा था क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था 6 सितंबर 2023 के बाद। स्टॉक में नॉर्मली ट्रेडेड वॉल्यूम रहता है अराउंड 1-2 करोड़ शेयर्स का। 6 सितंबर के बाद स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। 7 करोड़ शेयर्स का ट्रेडेड वॉल्यूम भी स्टॉक पे आया था एनएससी के डेटा के हिसाब से। 17 करोड़ शेयर्स का ट्रेडेड वॉल्यूम भी आया था। 20 करोड़ शेयर्स का ट्रेडेड वॉल्यूम भी आया था एंड हाईएस्ट 34 करोड़ शेयर्स का ट्रेडेड वॉल्यूम भी स्टॉक में आया था और स्टॉक में लगातार तेजी भी आ रही थी। तब स्टॉक ने लेवल दिखाए थे 1.35 रूपीज के, जिसके बाद एनएससी और बीएससी ने इसको स्टेज 1 सर्वेलेंस पे रख दिया था। इस मैटर में अब अपडेट यह है कि इसको सर्वेलेंस से रिमूव कर दिया गया है और अब नॉर्मलाइज भी हो गया है स्टॉक में ट्रेडेड वॉल्यूम। अब अराउंड 2-3 करोड़ शेयर्स का ट्रेडेड वॉल्यूम स्टॉक में आ रहा है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ गया है। इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग सेम है सितंबर क्वार्टर में। जून क्वार्टर में 3.28% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, सितंबर क्वार्टर में भी प्रमोटर की होल्डिंग सेम है 3.28%। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग इस कंपनी में रिड्यूस करी है। जून क्वार्टर में होल्डिंग थी 0.13% की, सितंबर क्वार्टर में होल्डिंग हो गई है 0.12% की। एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग इस कंपनी में रिड्यूस करी है। सितंबर क्वार्टर में एफआईएस की होल्डिंग हो गई है 45.17% की। जून क्वार्टर में एफआईएस की होल्डिंग थी 45.47% एंड पब्लिक ने अपनी होल्डिंग इस कंपनी में इंक्रीज करी है। जून क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग थी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में 51.13% की, जो कि इंक्रीज होकर सितंबर क्वार्टर में 51.42% की हो गई है। सो अब जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, मेरा क्या व्यू है। मेरा व्यू बताने से पहले फिर से हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन इस स्टॉक में नहीं है। कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिए, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें, टेक्निकल चार्ट पे एक बुल फ्लैग पैटर्न बना हुआ है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक बुलिश रह सकता है, स्टॉक में तेजी बन सकती है। स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का लेवल मुझे अब नजर आ रहा है 1.05 रूपीज पे। 1.05 रूपीज से ऊपर की क्लोजिंग आती है तो फिर ये स्टॉक और बढ़ सकता है और स्टॉक के लिए सपोर्ट का लेवल है 0.85 रूपीज पे। इस लेवल से नीचे की क्लोजिंग अगर स्टॉक में आ जाती है तो फिर ये बुल फ्लैग पैटर्न स्टॉक में ब्रेक हो जाएगा और स्टॉक बियरिश हो जाएगा,
फिर उसके बाद ये स्टॉक और गिरावट दिखा सकता है, ऐसा मेरा व्यू है। सो ये था हमारा वीडियो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।